बरसात के मौसम में ऊपरी क्षेत्रों में अब रीछ के हमले का खतरा बढ़ गया है। मक्की की फसल अभी तैयार नहीं हुई और रीछ मानव बस्तियों के दायरे में पहुंचने लगे हैं। मक्की जैसी अपनी पसंदीदा फसलों के तैयार होने के अलावा बर्फबारी के दौरान भालू भोजन की तलाश में अक्सर मानव बस्तियों के आसपास स्थित खेतों में पहुंच जाते हैं, जिससे यहां के लोगों के सिर पर खतरा मंडराने लगता है। इस दौरान भटियात क्षेत्र में कैंथली, चक्की तथा जोत क्षेत्र के बड़े वन्य भूभाग वाले क्षेत्र में रीछों के हमले शुरू हो जाते हैं। गत देर शाम रीछ ने हमला कर 3 ग्रामीणों को घायल कर दिया। घायलों में 4 वर्षीय बच्ची भी शामिल है। प्राथमिक उपचार के बाद 3 में से 2 घायलों को टांडा रेफर कर दिया गया। मलुंडा पंचायत के बड़े गांव की 50 वर्षीय दर्शना देवी, 23 वर्षीय राधा तथा 4 वर्षीय यंशिका अपने मवेशियों को घर लाने के लिए जंगल गई थी। इस दौरान एकाएक वहां पर पहुंचे भालू ने उन पर हमला कर दिया, जिस कारण उक्त 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बाद 3 को प्राथमिक उपचार के लिए चौड़ी अस्पताल में लाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद दर्शना देवी तथा 4 वर्षीय यंशिका को मेडिकल कॉलेज टांडा रेफर कर दिया गया। उधर घटना की सूचना मिलने के बाद मलुंडा क्षेत्र के पटवारी जसविंदर ठाकुर ने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने बताया कि इस मामले में वन विभाग को जानकारी दे दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल टॉप न्यूज़।